होगा कि अपना इंटरप्शन नहीं होगा सेशन के बीच। ठीक है, शुरू करते हैं सेशन। क्या सब लोगों को 16 दिशाओं के बारे में क्लैरिटी है कि कौन सी दिशा से क्या आता है? मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो प्रैक्टिस का विषय है, पर क्या तुम चक्रा को देखकर मैपिंग कर सकते हो कि इस दिशा में ये है? क्या तुम उसके एलिमेंट को क्लैरिटी से देख पा रहे हो सब लोग? वेरी गुड। क्या तुम उस एलिमेंट के मेटल को अच्छे से देख पा रहे हो? सबके पास है मेटल्स का। क्या तुम्हें ये समझते में आता है कि एंटी एक्टिविटी क्या होती है? एक दिशा के अंदर अगर उसके एलिमेंट के अपोजिट कोई एक्टिविटी हो रही होती है तो वो उसको अपोज करता है, उसको कंट्रोल करता है, ये समझ में आ गया। कलर थेरेपी समझ में आ गया सबको कि लाल रंग पानी तत्व में होगा तो क्या होगा, है ना, और पृथ्वी तत्व में अगर हरा रंग होगा तो क्या होगा? क्या ये सब समझ में आ रहा है सबको? क्लैरिटी है। क्या सबको ये भी समझ में आता है कि भ्रम स्थान पे रेमेडी नहीं करते हैं एंड भ्रम स्थान शुड बी क्लीन? क्या सबको ये भी समझ में आ गया है कि वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु पुरुष के बॉडी पे कैसे मैपिंग करते हैं? अगर कहीं पीड़ा आ रही हो किसी व्यक्ति को घर में शरीर पर तो उसको कैसे किस दिशा में देखना है, ये अपन कर सकते हैं। वेरी गुड। क्या सब लोगों को रेमेडीज के बारे में पता है? 3D रेमेडी क्या होती है, 2D रेमेडी क्या होती है, LED बल्ब क्या होता है? 3D रेमेडी, 2D रेमेडी यानी कि मोनिका 3D रेमेडी हो गए, कुबेर जी कहाँ लगाने हैं, ब्रास की जितनी रेमेडी है जो कि स्कल्पचर फॉर्म में है जिसको शिल्प विज्ञान कहा जाता है, शिल्प रेमेडी, वो सबको मालूम है? क्या सबको ये मालूम है कि पेंटिंग्स के थ्रू कैसे तुम रेमेडाइज कर सकते हो, पेंटिंग्स लगा के उनके कलर्स के? क्या सब लोगों को ये मालूम है कि कहाँ पर तुम्हें LED बल्ब कौन से रंग का लगाना है? पेरेंट और चाइल्ड कलर थेरेपी जिसको अपन बोलते हैं, LED कलर्स के हिसाब से। क्लियर है सब लोगों को ये वाली बात? ये ऐसे है या ऐसे है विनोद? नहीं मालूम है? मालूम है, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। क्या तुम सबको मेटल्स से, जैसे अगर शाफ्ट वगैरह होती है तो कैसे करना है इसके बारे में मालूम है? शाफ्ट है तो वहां पे मेटल लगाना है अपने, या शाफ्ट है तो कलर करना है उस दिशा के एलिमेंट का जहां शाफ्ट है। कट और शाफ्ट की रेमेडी पता है या नहीं पता है? हाँ या ना? नहीं पता है, ठीक है। इस पॉइंट को लिखेंगे अपन, इस पॉइंट को लिखेंगे कि इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। WC की रेमेडी तो मालूम है सबको, WC की किचन रेमेडी मालूम है, कुकटॉप पे कौन सा स्टोन लगाना है, कहां पर, किस दिशा में। तो अभी हमारा एक शाफ्ट और कट्स का रह गया है ना, उसको अपन डिस्कस करेंगे क्या करना है। क्या तुम्हें ये डॉर्मेंट थ्योरी समझ में आ गई है कि अगर एक दिशा में एक्टिविटी नहीं हो रही होती है तो वो दिशा डॉर्मेंट हो जाती है और फिर वहां पे कुछ एक्टिविटी करके अपने को उसको एनहेंस करना होता है, एक्टिवेट करना होता है? ये समझ में आ गया? जैसे तुम्हारा बैंक अकाउंट है, अगर तुम यूज नहीं करते हो तो वो डॉर्मेंट हो जाता है। ऐसे ही कोई एक कमरा है, सपोज करो कि ईस्ट में एक कमरा है, गेस्ट रूम टाइप है, तुम उसको ज्यादा यूज नहीं करते हो, बंद ही रहता है, स्टोर रूम की तरह बना दिया है, तो वो डॉर्मेंट हो जाती है। तो वहां पर अपन क्या करते हैं, वहां कुछ एक्टिविटी शुरू करते हैं, जैसे क्लीनिंग करवाई, उसको डीक्लटर करवाया, फिर वहां पे एक हरे रंग का, क्योंकि ईस्ट की दिशा है, वायु तत्व है, तो वहां एक हरे रंग का अपने ने बल्ब लगवा दिया, एक्टिविटी शुरू करवा दी वहां पर बल्ब लगवा के। क्या ये बात समझ में आई सबको? वॉशिंग मशीन का मालूम है सबको, ड्रेन करती है। डस्टबिन के बारे में मालूम है सबको, डस्टबिन डिस्पोज करेगा, डिस्पोजल का ही काम होता है। सेप्टिक टैंक के बारे में मालूम है सबको, सेप्टिक टैंक इक्वल टू WC वर्किंग, सबको मालूम है। अंडर वाटर टैंक के बारे में मालूम है सबको, वेरी गुड। ओवरहेड टैंक के बारे में मालूम है सबको, ऐसे करो ओवरहेड टैंक के बारे में और अंडर वाटर नहीं मालूम, बता देता हूं। जो भी पानी जमीन के अंदर है वो वाटर एलिमेंट में काउंट होगा। अंडर वाटर टैंक अगर बना हुआ है तो वो वाटर एलिमेंट है, और अगर वो वाटर टैंक ऊपर है, छत पर है, तो वो अर्थ एलिमेंट आता है। क्लियर है?
सब लोगों को क्लियर है? मेरे ख्याल से सारा अपन ने कवर कर लिया है, कुछ ऐसा रह नहीं गया है। एंट्रीज कैसे देखते हैं ये सबको मालूम है ना, एंट्रीज कैसे देखनी है? इनको बार चार्ट टूल मिल गया है तुम्हारे को। प्रकृति के बारे में सबको क्लैरिटी हो गई है कि किसकी क्या प्रकृति है और उस प्रकृति के अनुसार अपने को कैसे बिहेव करना है, या व्यक्ति को कैसे एक माहौल देना है उसकी प्रकृति के हिसाब से घर में। ये क्लियर हो गया सबको? एयर वाटर फायर वाला जो अपने डिस्कशन किया था। हाँ साहिल पूछो बेटा। सर वो डस्टबिन का बता देते सर, डस्टबिन सबका समझ में आता है? बता, डस्टबिन का एट्रीब्यूट क्या होता है? डस्टबिन का एट्रीब्यूट डिस्पोज करना होता है ना, डिस्पोज ही है ना, अपने कूड़ा करते हैं। अगर रिश्तों की दिशा में होगा तो रिश्तों का कूड़ा हो जाएगा, पैसों की दिशा में होगा तो पैसे का कूड़ा हो जाएगा, अगर मंथन की दिशा में होगा, मंथन की दिशा में अच्छा होता है। ESC, SSW और WNW में डस्टबिन आर गुड, यू कैन प्लेस इट। तुम्हारा जितना साफ सफाई का सामान है, मॉप से रिलेटेड है, वो SSW, WNW इज गुड, रख सकते हो आप, ठीक है। ESC में भी रख सकते हो, उसमें भी कोई ऐसा नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता है। और कोई प्रश्न किसी का? स्टडी टेबल की क्लैरिटी है सबको? स्टडी टेबल कहाँ होनी चाहिए? ये म्यूट पे कर लेना है। सबको क्लियर है? और कोई प्रश्न, कोई ऐसा टॉपिक जो अपना रह गया हो? मेडिटेशन कैसे करते हैं ये आ गया है सबको, मेडिटेशन कैसे करनी है, कैसे क्लिंजिंग करना है, तत्व शुद्धि कैसे करते हैं, स्पेस मंत्र टेक्निक सबको मालूम है? स्पेस मंत्र याद है, विशलिस्ट वाली जो होती है, विशलिस्ट कैसे बोला, स्पेस मंत्र बोला जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा अपन ने कवर कर लिया है। अब एक टूल तुम्हें देता हूं जिससे जीवन बहुत सरल हो जाएगा। रिपोर्टिंग का क्या मैंने तुम्हें बता दिया, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, रिपोर्ट्स कैसे बनानी है फॉर्मल, ये बताया है क्या? नहीं बताया है, उसको अपन लिख लेंगे कि वो कवर करेंगे। रिपोर्ट्स का बताता हूं कि फॉर्मल रिपोर्ट्स कैसे बनानी है क्लाइंट्स के लिए, तुम्हारे को ये कैसे करना है, फीस कैसे चार्ज करनी है, कंसल्टेशन कैसे देनी है, इसके बारे में डिस्कशन हो गया है। वेरी गुड। अब मैं तुम्हारे को एक तो रिपोर्टिंग बताना है तुम्हें, और क्या बताना है? अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं मोनिका। कट एंड शाफ्ट रेमेडी, शाफ्ट का बताना है, पिलर्स का बताना है और कट्स का बताना है, ठीक है। बाकी अपने ने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है कोर्स का कंटेंट। अब से जब अपन ये कट एंड शाफ्ट और ये सारा डिस्कशन कर लेंगे, अब से अपनी केस स्टडी शुरू हो जाएगी। अब अपन केस स्टडीज करेंगे। सब लोगों से ये मैं कहूंगा कि जो लिंक दिया है उस पे अपनी अपने किन्हीं पांच रिश्तेदारों की, मित्रों की, कोई तुम्हारे नोन है, उनकी केस स्टडी तुम अपलोड करो। हर एक व्यक्ति को कम से कम पांच पांच केस स्टडी करनी चाहिए। इससे क्या होगा, तुम्हारे को अच्छे से दिखते आएगा चीजों को, है मैपिंग अच्छे से कर पाओगे। अभी अपने ग्रुप में करीब मुझे लगता है 15 लोग हैं, तो 5 के हिसाब से 75 के करीब हो गए। 75 केस स्टडी बहुत होती है बच्चों, 75 केस स्टडी करने के बाद तो तुम वो तीर बन चुके होगे जो जहां लगना चाहिए वहीं लगता है।